भाई ने भी ना बड़ी ढील दे रखी है सर, कब अकल आएगी। सलवा, तो वो सलवा थी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे घर वाले जा रहे हैं आज लड़की देखने मेरे लिए। बेचारे परेशान थे कि मैं यहाँ अकेला कैसे रहूंगा, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि मेरी शादी करके जाए, तो आज जा रहे हैं लड़की देखने। मेरा तो सब कुछ है ही आस पास। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ये मेरा बेटा है अलमीर। बैठिए बैठिए। इनके बारे में नहीं बताया, ये कौन है? ये शेरदिल है मेरे बेटा, और ये मेरी बहू अनुष है। माशाल्लाह। तो इफ्तिखार साहब, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। देखिए, हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, कम से कम एक दूसरे की फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक गॉड, भाभी की फैमिली वाकई बहुत अच्छी है। अब तो मुझे वाकई एक्साइटमेंट हो रही है उनको देखने की। तुम तो चुप करो, सब हमें ही देख रहे हैं। वैसे कब आएंगी भाभी? भाई को तो देखें, उनकी निगाहें कैसे वेट कर रही हैं उनके लिए। माशाल्लाह, चुप कर जाओ। आप सलवा बेटी को बुलाएं ताकि हम अपने होने वाली बहू से मुलाकात कर लें। जी जी बिल्कुल, मैं अभी लेके आती हूँ। आओ बेटे। सर वैसे मुराद साहब, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे इफ्तिखार साहब, ये तो हमारी खुशी है। देखना, हमारी तो रिश्तेदारी बनने जा रही है। साबरा, जाओ जरा मीठा फ्रिज में रख दो। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ा एहतमाम हो रहा है, कोई मेहमान आ रहा है क्या? वालेकुम अस्सलाम। बस बेटा तुम जाओ, जल्दी से चेंज कर लो। आज पता है इस लड़की ने मुझे सुबह से नचाया हुआ है, और कौन आ रहा है कुछ बता भी नहीं रही है। इसके तो सारे काम ऐसे उलझुल जुलूल ही होते हैं। अच्छा, मतलब आयान के कोई मेहमान आ रहे हैं और किचन में उसने आपको लगा दिया। खुद कहाँ है वो वैसे? खुद वो कब से ऊपर तैयार हो रही है, आवाजें दे दे के थक गई हूँ, नीचे ही नहीं आई अभी तक। आ जाएगी अम्मी, क्यों पीछे पड़ी रहती हैं उसके हर वक्त? मुझे लगता है कोई बहुत खास दोस्त आ रही है उसकी, तभी इतना एहतमाम करवा रही है। जी नहीं, उसके सब काम ऐसे ही निराले होते हैं। लेकिन महाज, मैंने उसे आज से पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। तुम्हें पता है, वो घर के सब कामों में दिलचस्पी ले रही थी, और साबरा के साथ मिलकर उसने पूरे घर को चमकाया। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, तो खुशी की बात है। मैं भी जाकर तैयार हो रहा हूँ, मुझे ऐसे देखेगी मेरे पीछे पड़ जाएगी। साबरा, आके सलाद पूरा करो। कहाँ गई है लड़की? अयान, अयान बेटा आप तैयार होके नीचे आ भी जाओ। अच्छा ये तो बता दो, कितने मेहमान आ रहे हैं? तानी कब तक तैयार होगी? आ जाओ बेटे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। अम्मी, वो
पापा जान नीचे ही सबके साथ बैठे। देखा मुराद, हमारी बहू माशाल्लाह कितनी प्यारी है, अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए। बेगम, मगर ये हमारे और आपके कमाल की बात नहीं है, रिश्ते तो आसमानों पे जुड़ते हैं। वाकई हमारी भाभी तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह। पहली बार देखने आए और इस तरह रिएक्ट करें जैसे परसों से जानते हो। मुझे तो अभी भी शक है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। मैं भी जानकर ही रहूंगी कि आखिर मामला है क्या। सरकार साहब, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी को हम फूलों की तरह रखेंगे। सलवा हम सबको बहुत पसंद आई। अगर आप इजाजत दें तो अलमीर की अम्मी रसम अदा करना चाहती है, इजाजत? जी। बेगम, भाई जो कंगन लाई हो वो पहना दो। ये लो बेटा। और इफ्तिखार साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ ये बड़ा खुशी का मौका है, मैं चाहता हूँ कि शादी की डेट भी आज ही तय हो जाए। मैं चाहता हूँ ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, असल में बेटी जल्द हमारे घर आ जाए। लेकिन भाई साहब, अभी इतनी जल्दी कैसे? सलवा आपकी बेटी है, जब भी आपका जी चाहे रुख्सत करा के ले जाए। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे अमेरिका जाने में बहुत कम टाइम रह गया, हम चाहते हैं कि सलवा जल्द हमारे घर आ जाए ताकि कुछ टाइम हम इसके साथ भी गुजार लें। अगर कोई एतराज ना हो तो हम अगले हफ्ते की कोई डेट रख लें। जी इफ्तिखार भाई, अब तो तय हो गया, हम बाकायदा से निकाह की रस्म अदा कर रहे हैं। रिफत, आप उदास मत हो, मैं जानती हूँ कि आप अपने जिगर के टुकड़े को हमारे हवाले कर रही हैं, लेकिन आप यकीन रखिए हम सलवा को बहुत प्यार और मोहब्बत देंगे। मेरा बेटा सलवा का बहुत ख्याल रखेगा। इन आंखों को ख्वाब देखना तुमने सिखाया था अलमीर, तुम्हारी बोलती आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा लहजा सिर्फ मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए। ये बीच में सलवा कहाँ से आ गई? क्या वो सब जो मैंने महसूस किया, क्या सब झूठ था, धोखा था? सब क्या सब धोखा था? बिजी होंगी, सब्र कर लीजिए, घर जाके बात कर लेगा, और वैसे भी वक्त कम है और मुकाबला सख्त, हजारों काम होंगे भाभी को। अरे मैं उसे कॉल नहीं कर रहा यार। यार राइट। मन की डोर छूट जाने को है, साहिल पे डूब जाने को क्या। पता नहीं कहाँ बिजी है, अयान फोन ही नहीं उठा रही है। कम ऑन अयान, पिक अप द कॉल।
हेलो हाँ यान, कैसी हो यार? मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। एक्चुअली मेरी और सलवा की शादी डन हो गई है, हम बहुत जल्दी शादी करने लगे। मैंने सोचा ये खुशी की खबर सबसे पहले किसके साथ शेयर की, तो मेरे जहन में सिर्फ तुम आई। वो क्या है ना, शायद तुमको पता नहीं है, लेकिन हम दोनों को मिलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। यार आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं कभी। वो एक्चुअली मुझे सलवा ने मना किया था कि मैं किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करूं, इसलिए आई होप तुम नाराज नहीं होगी। शादी मुबारक हो अलमी। अरे थैंक यू सो मच। तो फिर हम लोग मिल रहे हैं। हेलो, अरे शायद नाराज हो गई। चलो खैर मना लूंगा बाद में, और अगर मुझसे ना मानी तो सलवा से तो मानी जाएगी। रास्ता क्या हमारा फासलों की वजह से छूट जाने को है। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था। अयान, अयान बेटा तैयार हो गई? तो मेहमानों का भी नहीं पता कि कौन आ रहा है। अयान, अयान बेटा दरवाजा खोलो, तैयार हो गई हो तुम? ए, क्या हो गया अम्मी, इतना शोर क्यों कर रही हैं? आ गए आपके खास मेहमान? पता नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन ये जब से दरवाजा बंद किए बैठी है। अब तुम ही पूछो कि हुआ क्या है आखिर। अयान बेटा दरवाजा खोलो बेटा, मैं हूँ भैया। आयान, अरे बेटा रहने दो इसे, इसे तो ऐसे ही पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तुम देखना अभी बाहर आएगी ना तो ऐसी होगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसे तो मजा आता है माँ और भाई को तंग करने में बस। हाँ लेकिन हुआ क्या है? मुझे लग रहा है शायद इसकी जिस दोस्त ने आना था उसने आने से मना कर दिया, इसीलिए दरवाजा बंद किए बैठी। खैर तुम इसे छोड़ो, तुम चलो, मैं खाना लगा रही हूँ, तुम खाना खाओ चल के। आप चले, मैं आप रहने दो, तुम इसकी टेंशन नहीं लो ना, मैं देख लूंगी इसे। तुम आ जाओ खाना खा लो। मेरा बच्चा, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आ जाओ। ओके करनी पड़ेगी। सलवा, सलवा ये ओके? सलवा क्या हुआ यार? सलवा, सलवा, अलमी, 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 सलवा ये ओके? क्या हुआ? ये देखो इसे क्या हो गया, मुंह क्या देख रही हो? उसका पानी लेकर आओ जल्दी से। हाँ पानी। आर यू ओके सलवा? यार क्या कर लिया तुमने? ये लो, ये लो। ठीक हो अब तुम? तुमने डरा ही दिया था। थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो?
अलमीर को थैंक यू बोलो, ये ना होता मैं तो पैनिक कर गई थी। चलो थैंक यू। अरे इट्स ओके, आपकी तबीयत कैसी है? जी। मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं? नहीं वो मैं देख लूंगी, अभी तो जूस वगैरह पिलाती हूँ इसे, पता तो करूँ हुआ क्या है। तुम वाकई ठीक हो ना? हाँ मैं मैनेज कर लूंगी, तुम रहने दो। चले आज ध्यान से, ध्यान से। भाई मुझे सलवा बेटी और उसके घर वाले बहुत पसंद आया, बड़ी डिसेंट फैमिली है। हाँ लेकिन एक बात है जो मैंने महसूस की, सलवा के वालिद कुछ मुझे अलग तबीयत के लगे। बेगम तुम भी ना, बस देखो वो बेटी का बाप है और अचानक ये रिश्ते की बात आई तो परेशानी तो होती है ना, मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। भाई मुझे तो उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तुम लोग शादी की तैयारियां करो, अपने बेटे की धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ क्यों नहीं जी। अरे वाह 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 वाह, बेटा सलवा बेटी से मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी दुआ है तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू पापा। मम्मा आपको सलवा कैसी लगी? अरे भाई मेरे बेटे की पसंद है तो मुझे कैसे पसंद नहीं आएगी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, भाई की पसंद तो ठीक है लेकिन भाभी की चॉइस को क्या हो गया? आप देख रहे हैं इसे? ये क्या कौन है? अच्छा ये मुझे बताएं कि इतनी सारी तैयारियां इतनी जल्दी होंगी कैसे? आप क्यों परेशान हो रही हैं मामा, सब तैयारियां हो जाएंगी और बहुत धूमधाम से होंगी, आखिर मेरे भाई की शादी। थैंक यू। बाबा जान एक बात कहूं अगर बुरा ना लगे तो? बोलो। सलवा की शादी में कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे? अलमीर की फैमिली एक अच्छी फैमिली है इसलिए मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और जहां तक शादी की बात है तो फिर उसमें क्या जल्दी क्या देर। वैसे मैं इस फर्ज से जल्द से बुकदोश होना चाहता हूं। अलमीर एक अच्छा लड़का है, सलवा उसके साथ खुश रहेगी। और कुछ नहीं, जैसे आपको मुनासिब लगे। तुम शादी के इंतजामात करो, सब कुछ ठीक होना चाहिए। अनुषा बेटी सलवा के साथ मिलकर सब कुछ देख लो, शादी बड़ी धूमधाम से होगी। सलवा इफ्तिखार अहमद की इकलौती बेटी है। कोटेशन भिजवा दो फिर हम इस पर बात कर लेते हैं। ओके। ये तो हथेली पर सरसों जमाने वाली बात, भला इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? तुम शॉपिंग शुरू करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वैसे एक बात कहूं? नो आर्गुमेंट्स प्लीज। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहां से शुरू होने वाली हो, लिहाजा कोई फजूल बात नहीं। यार मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। एक्चुअली मेरी और सलवा की शादी डन हो गई है, हम बहुत जल्दी शादी करने लगे हैं। मैंने सोचा ये खुशी की खबर सबसे पहले किसके साथ शेयर की, तो मेरे जहन में सिर्फ तुम आई।
अरे आ रहा हूँ भाई। क्या जल्दी, इतनी भूख लग रही है मुझे। लो खाओ। तुम चीख तो ऐसे रही हो जैसे दो दिन से खाना नहीं खाया तुमने, इतना रश लगा हुआ था कैंटीन में। तो रहने दो था? ना रहा था? अरे वाह, आप हमसे कहें और हम आपकी बात ना माने। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग्स मारे जा रहे हो। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको मुझसे? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, और रही प्यार की बात तो तुम्हें एक दिन बताऊंगा उसके बारे में। अमीर, कैफेटेरिया में बैठे हैं हम अभी। तो कोई नहीं देख रहा है, क्या हो गया? हेलो। शुक्र है तुमने मेरा फोन तो उठाया। क्यों फोन किया? अभी अवॉइड करो फोन करना। सेल्वा मुझसे रहा नहीं गया, और प्लीज अब तो मुझ पर से ये पाबंदी हटा दो तुम। अब तो ऑफिशियली तुमसे बात करने की इजाजत मिल गई। यू नो, बस अब कुछ दिन में ही तुम में से जलमीर बनने वाली। अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगी कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वैसे एक बात है, अपने बाबा जान से तुमने जितना डराया था मुझे कि वो इतने सख्त हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इतने भी सख्त नहीं है यार। मैं फोन रख रही हूँ। अरे प्लीज सलवा, प्लीज फोन नहीं रखना यार। अभी तो तुम्हें बताना है कि मैं कितना खुश हूँ। यू नो, मैं हवाओं में हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए एक ख्वाब की तरह था, और फाइनली वो ख्वाब अब पूरा होने लगा। सलवा, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अलमीर, प्लीज। हाँ, कोई और बात कर लेते। अरे हाँ, आयान कहाँ गायब है? वो मैडम तो बिल्कुल ही गायब हो गई, कोई खबर ही नहीं उनकी। मैं करूंगी उसे फोन। हाँ, उससे पूछना कि कहाँ गायब है। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे ख्याल है हमसे नाराज हो गई है। अब ये सब कुछ जितनी जल्दी में हुआ उसे बता ही नहीं सके। सही कह रहे हो। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सका। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं रखती हूँ। आई लव यू, बाय। अरे अच्छा सुनो, मजाक कर। हेलो आयान भाई, कैसी दोस्त हो तुम? मेरा जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। इतनी बड़ी खबर मिली और तुमने मुबारकबाद भी नहीं दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सलवा। बहुत मुबारक हो तुम। लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वरना इतनी बड़ी खबर पे तो तुम चीखें मार रही होती। मुझे तो तुम्हारे रिएक्शन से डर लग रहा था। सुनो, तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? असल में मैंने अलमीर को मना किया था, वो इसी से नाराज नहीं। चलो फिर जल्दी से ठीक हो जा और फौरन घर आना, ठीक है? बाय।
मैं आऊंगी सेल्वा, इश्क था जरूर इश्क था रूबरू इश्क था बेवजह ही सही एक आगे पकड़ो। अयान कैसी हो? शुक्र है तुम आ गई, तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? अच्छा बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अभी सारी रस्में बाकी हैं। अच्छा खाना खा के जाओ। अम्मा वो जो मैं कंगन लाई थी वो कहाँ है? जाओ लेके आओ। अरे अयान यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना बैठो। लड़का क्या करता है? बिजनेसमैन फैमिली है बाजी। अच्छा कोई छानबीन की ऐसे ही झटपट हाँ कर दी? नहीं नहीं जानने वाले हैं हमारे, बड़ी अच्छी फैमिली है, हम काफी अरसे से जानते हैं। लेकिन अनुषा तो कुछ और बता रही थी। अनुषा क्या बता रही थी? यही कि किसी रिश्ते वाली के थ्रू रिश्ता हुआ है। अनुषे को भी असल में ज्यादा पता नहीं, मेरे और सलवा के बाबा के बहुत पुराने जाने वाले। मिसेस खान आई है, मैं मिल के आता हूँ। चलो शेरदिल। बेटा मैं सलवा को लेके आ रही हूँ निकाह के लिए, अनुषे से कहो आ जाए अंदर फौरन। बिल्कुल अम्मी, ठीक है।
सामने वाले घर में अम्मा किसकी शादी हो रही है? वो इफ्तिखार साहब की बेटी है ना सलवा, उसकी शादी हो रही है। आयान की बहुत अच्छी दोस्त है, आज उसका निकाह है। आयान अभी अभी वहां से आई है। अभी वापस आ गई? लेकिन तकरीब तो चल रही है, आयान इतनी जल्दी क्यों आई है? उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है दोस्त की शादी को लेके थोड़ी सी अपसेट है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर के लेके गई हैं उसे? अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है उसकी जो उसे मैं डॉक्टर के लेके जाऊं। बताया ना उसकी दोस्त की शादी हो रही है इसलिए थोड़ी सी अपसेट है वो। और सुनो, तुम इतने ना बेजा लाड़ नहीं किया करो उसके साथ, चाहे थोड़ी समझदार हो जाए, कल को उसे दूसरे घर भी ब्याना है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा, अभी छोटी सी है वो, उसको उसको ये शादी वादी के चक्कर में नहीं डालना। सुनो, छोटी वो है नहीं, तुमने उसे बहुत छोटी बना रखा है। आज वो लड़की जात है, जिम्मेदारी है हमारी। तुम कितने ही लाड प्यार कर लो लेकिन जाना तो उसे अपने घर है ना। हाँ, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है, अभी उसे पढ़ाई करना है। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं डाल सकती। छोटी सी गुड़िया तो वो तुम्हारे लिए सारी जिंदगी रहेगी। तुम्हें पता है आयान के जिस दोस्त की शादी हो रही है वो भी आयान की उम्र की है, उसके माँ बाप ने भी तो अपना फर्ज पूरा किया है ना। और वैसे भी लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। अच्छा चलें ठीक है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, बहुत भूख लग रही है। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी से खाना खा। अचानक से निकाह का सीन कैसे बन गया? अलमीर के वालिद की ख्वाहिश थी कि निकाह पहले हो जाए। अजीब लोग हैं, हर बात पर सरप्राइज देते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं। अच्छा, मुझे लगा जैसे कहा है तुमने कुछ। सच तो यह है कि कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मसला यह है कि मुझे घर का माहौल खराब नहीं करना। सच माने ना तो ना तो ये शादी मुझे हजम हो रही है और ना ही ये रिश्ता। वैसे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम इन घर वालों के साथ है। मुझे तो आज तक बहू का दर्जा ही नहीं मिला, मुझे तो हर बात ऐसे खुफिया रखते हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। ऐसी कोई बात, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं। आप तो रह नहीं दे बस। कुछ तो है जिसका पता लगा कर मैं छूटू, पर मेरे हाथ में सिर आ जाए बस। सलवा, कुछ तो है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स कभी धोखा नहीं देती मुझे, ये तुम जानती नहीं हो। हेलो हेलो अलमीर, अलमीर बस ऐसे ही मेरा नाम लेती रहो। प्लीज बोलो ना, खामोश क्यों हो गई? सही गलत नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा लिसन लिसन, सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं जब तुमसे रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता हूँ तुम बात क्यों पलट देती हो भाई? सलवा मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बस अभी मेरी आंख खुलेगी और अभी सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अलमीर, अब मैं अपने सारे हुकूक के साथ तुम्हारा साथ निभाने को हम कदम। ये बंद आंखों का ख्वाब नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत है। और अब तो यकीन आ जाना चाहिए तुम्हें। आगे तुम्हारे साथ मेरा सफर कितना खूबसूरत होने वाला है, इस बात का यकीन मुझे आ गया। फिलहाल रात बहुत हो गई है और तुम्हें सोना चाहिए, कल मेहंदी पे अच्छे भी तो लगना है ना। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, प्लीज लिसन टू मी। प्रॉब्लम क्या है? अब तो निकाह भी हो गया हमारा। मैं जब तुमसे प्यार के दो बोल बोलने की कोशिश करता हूँ तुम या तो बात पलट देती हो या फोन काट देती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आज बता ही दूं। ओके, खुद हाफिज, अपना ख्याल रखना। आई लव यू।
इश्क था।